सब्सक्राइब कीजिए ओए टेक्निकल और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओ टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे लेके आए आपके लिए एक रेडमी नोट 4 का अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। और मैं अपनी ओपिनियन बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप ये फ़ोन खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक ये नोट 4 का एक बॉक्सिंग मैंने यहाँ पे परचेस कर लिया, जो आपको दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसका मैं कुछ स्पेसिफिकेशन इसके यहाँ पे नोट 4 पे मैं दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे इधर देख सकते हैं इसके बैक साइड में आपको मिल जाएगा दोस्तों, ये ड्यूल सिम का फ़ोन है ड्यूल स्टैंड पे। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका CDM वगैरह दोस्तों, यहाँ पे 4G फ़ोन आपको यहाँ पे सपोर्टेड LTE वगैरह सब आपको यहाँ पे जिससे मिल जाता है। और दोस्तों, देख सकते हैं कोड स्नैपड्रैगन यहाँ का आपका मिल जाएगा 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। स्क्रीन की बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 5.5 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले। और दोस्तों, यहाँ पे कैमरे की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे 13 MP का आपको रियल कैमरा मिल जाएगा और 5 MP का आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा। और दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको इस फ़ोन में मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो बैटरी आती है जो इस पर नोट 4 की, तो दोस्तों इसकी बैटरी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, जो 4001 mAh की बैटरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे इसका जो बैटरी बैकअप है दोस्तों बहुत ही अच्छा, जो आप नॉर्मली आप इंटरनेट वगैरह यूज़ कर सकेगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस बॉक्स को ओपन कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे फिर मैं आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे नोट 4 का यहाँ पे एक यूनिट है, जो मेरा यहाँ पे जो यूनिट है दोस्तों। और दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे नोट 4 का ये मेरा यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया इसके कवर को। तो चलिए, इसको ओपन करके मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। और दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जो फ़ोन है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे, और बहुत ही लुक में दोस्तों यहाँ पे फ़ोन भी बहुत अच्छा दिख जाता है कि। तो चलिए, इसे मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे इस बॉक्स में दोस्तों यहाँ पे कुछ इसके नोट 4 के कुछ गाइडलाइंस के नोट्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ओपन करके कि दोस्तों इस फ़ोन में क्या इसके स्पेसिफिकेशन और दोस्तों यहाँ पे क्या बहुत ही अच्छा आपको MI का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों फ़ोन के, तो यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो बुकलेट है यहाँ पर आपको इस फ़ोन के गाइडलाइंस दिए हुए हैं, जो आप सिम कार्ड वगैरह क्या यूज़ कैसे क्या करना है, तो दोस्तों आपको मैं बता तो दूँगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा एक USB केबल दोस्तों, यहाँ पे चार्जर का मिल जाता है डेटा केबल, जो दोस्तों आप डेटा केबल के लिए भी यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, चार्जर की यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पर MI वाले ने कुछ ज़्यादा कुछ फास्ट चार्जिंग यहाँ पर नहीं दिया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिर्फ मिल जाएगा एक 5 वाट का, जो दोस्तों यहाँ पे बहुत फास्ट चार्जर नहीं करेगा। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं, अगर एक बार आप फ़ोन चार्ज कर लेते तो आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप यहाँ पे एग्जामी ने बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए यहाँ पर मैं आपको फ़ोन का ऑन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा राइट साइड में वॉल्यूम क्यू जैकर। और दोस्तों, यहाँ पर नीचे की ओर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पीकर के 2 हैंडसेट। और दोस्तों, यहाँ पे मिल जाएगा आपको USB पोर्ट यहाँ पे चार्ज करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे बात करें यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा यहाँ पे सिम जो इंसर्ट करने की जगह, यहाँ पे मेमोरी कार्ड आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मिल जाएगा 3.5 mm का हेडफोन जैक। और दोस्तों, यहाँ पे चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे इसे साइड में रखें, आपको यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ सिम में के दोस्तों क्या है यहाँ पे कैसे यूज़ करना। दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं सिम इजेक्टर टूल ले लिया हूँ, चलिए उसे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं इसे मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामी ने तो बहुत ही अच्छा तो दिया है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ में से या तो 2 SIM कार्ड या 1 SIM कार्ड यूज़ कर सकते, या तो SIM कार्ड 2 या तो आप एक माइक्रो मेमोरी कार्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा दे तो दिया है, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों SIM कार्ड आपको मिल जाते और मेमरी के साथ में यूज़ करने तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होता। तो चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोन के जो स्पेसिफिकेशन है बहुत ही दोस्तों, चलिए यहाँ पे मैं इसे फ़ोन को ओपन कर ले रहा हूँ फटाक से। तो
दोस्तों यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी फ़ोन चालू हो जाएगा थोड़ा टाइम में। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये यह मेरा फ़ोन चालू हो गया। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट सेटिंग, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मुझे कुछ स्टेट वगैरह सिलेक्ट करने थी, दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में लैंग्वेज ले ले रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ अपना रीजन सेट करने के लिए बोल रहा है, तो फटाफट चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं भी सेट कर ले रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे इंडिया मुझे मिल गया है मेरा, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ फटाक से। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग होना इसका ये चालू हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ कीबोर्ड का ऑप्शन दे रहे हैं, नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, इसको स्किप करना है कि नेक्स्ट के स्किप नेक्स्ट नो नो। दोस्तों इसे फटाफट यहाँ पे मैं सेटिंग करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि अंदर के दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कैसे आपको मिल जाएंगे। चलो दोस्तों यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ और नेक्स्ट करना है, यहाँ पे नो कर देते हैं, अपडेट ऑटोमेटिक पे ओके नेक्स्ट और एग्री नॉट नाउ ओके चॉइस थीम। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिफॉल्ट पे अपने चॉइस रहने दे रहा हूँ। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सेटअप मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फ़ोन पूरी तरह से अभी ऑन हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं अंदर यहाँ पे दिखने फ़ोन बहुत ही लुक में बेहतरीन तरीके से दिख रहा है आपको। तो चलिए दोस्तों इसके सेटिंग में मैं चले जा रहा हूँ और दोस्तों दिखा देता हूँ मैं आपको इस फ़ोन के क्या है। तो चलिए दोस्तों अबाउट फ़ोन में मैं चले जा रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा मॉडल नंबर है रेडमी नोट 4 का यहाँ पे मिल जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एडवांस वर्जन है जो 6.01 का है। और दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉयड लेबल वगैरह जो है सब आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाएगा 2 GHz का। और रैम दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो 3 GB वाला वेरियंट मैंने परचेज किया हुआ है। और दोस्तों देख सकते हैं जो इंटरनल मेमोरी है यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे मुझे 32 GB का मिल जा रहा है। तो दोस्तों चलिए अभी दिखा देता हूँ दोस्तों इसके जो कैमरे के क्वालिटी क्या है। तो दोस्तों चलिए मैं अभी यहाँ पे कैमरा ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इस बॉक्स का अपन एक पिक्स ले लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं कैमरे पे क्लिक कर ले रहा हूँ। और दोस्तों चलिए एक देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने कैमरा ओपन कर लिया इसका, और जो इसका ब्राइटनेस मैं थोड़ा हाई कर दे रहा हूँ ताकि आपका यहाँ कैमरे की जो क्वालिटी अच्छी तरह इसमें दिख जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इसे सेटिंग कर लेते हैं ओके। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे रेडमी नोट 4 का ये जो बॉक्स है मैं एक पिक्स ऐसे ले रहा हूँ आपको नॉर्मल दिखाने के लिए कि दोस्तों यहाँ पे जो क्वालिटी है इसका कि दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से आप 13 MP का आपको ये प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा। और HDR पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ पे कैमरे की क्वालिटी भी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों फ़ोन बहुत ही अच्छा है यहाँ पे जो आप फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दोस्तों आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप फ़ोन को ख़रीद सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे एक्सोमी ने बहुत ही अच्छा फ़ोन यहाँ पे लॉन्च किया रेडमी नोट 4 का। और दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि नॉर्मल फ़ोन दिखने भी वगैरह कैसा है। तो दोस्तों आपको भी मैं बताता हूँ अभी स्पेसिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको फिर भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो फ़ोन है स्नैपड्रैगन जो 625 का चिपसेट ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो और दोस्तों यहाँ पे ये फ़ोन जो आपको है तीनों वेरियंट में मिल जाएंगे, जो 2 GB, 3 GB, 4 GB रैम में आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन की बात करें तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आपको 5.5 HD IPS का स्क्रीन मिल जाएगा फुल HD क्वालिटी का। और दोस्तों यहाँ पे जो बात करें जो फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज है वो 32 GB 64 GB में यहाँ पे अवेलेबल है। और दोस्तों ये फ़ोन आपको मिल जाएगा ड्यूअल सिम हाइब्रिड सिम के साथ, जिसमें आप एक मेमोरी कार्ड और दो या एक मेमोरी कार्ड एक सिम या तो आप एक दोनों सिम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कैमरे की बात करें तो आपको 30 MP का आपको रियर कैमरा मिल जाता है आपको इस फ़ोन में, और 5 MP का आपका फ्रंट कैमरा। और दोस्तों यहाँ पे बैटरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे MI Note 4 में दोस्तों यहाँ पे एक्सोमी ने बहुत ही एक अच्छा बैटरी बैकअप दिया है दोस्तों 4100 mAh का। तो दोस्तों यहाँ पे और जो आपको मिल जाता है यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोन के ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशन बहुत ही यहाँ पे अच्छे दिए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप ये फ़ोन परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों अभी के जो लेटेस्ट फ़ोन है तो उसमें से तो अच्छे आपको ये फ़ोन में बैटरी बैकअप मिल जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो आप अगर ये फ्लिपकार्ट पर लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये मिल जाएगा, जो 3 GB और 32 GB इंटरनल के साथ यहाँ पे मिल जाएगा आपको यूनिट, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 9999 में। और दोस्तों वहाँ पे अगर 64 GB में लेना चाहते हैं 4 GB रैम के साथ तो दोस्तों आपको मिल जाता है 11999 में। तो दोस्तों यहाँ पे ये फ़ोन आपको इस तरह का यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों आपका आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों। तो आई होप कि गाइस आपको बहुत अच्छा लगा है, तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।